हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आप देखेंगे पाइनएप्पल मिल्क शेक बनाने की आसान सी रेसिपी और साथ में देखेंगे पाइनएप्पल क्रश को स्टोर करके रखने का एकदम इजी तरीका। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक पाइनएप्पल लिया है। पाइनएप्पल को पहले कट कर लेंगे। पहले ऊपर का भाग कट कर लेते हैं और अब बीच में से कट करेंगे और अब पाइनएप्पल की छोटी छोटी फाड़ियाँ करके इसके उतार लेते हैं छिलके। पाइनएप्पल कट करने के लिए तेज़ धार वाला छुरी या चाकू का उपयोग कीजिए। पाइनएप्पल को छीलने के बाद इसके कर लेते हैं छोटे छोटे टुकड़े। पाइनएप्पल को एकदम बारीक बारीक टुकड़ों में कट करना है। पाइनएप्पल के पीस को डाल देंगे एक मिक्सर के जार में और साथ में डाल देंगे एक बड़ा कप शक्कर। इसमें शक्कर थोड़ी ज़्यादा ही डालनी चाहिए और दोनों का एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे और पाइनएप्पल के पेस्ट को डाल देंगे चालने में और इसको अच्छे से छान लेंगे। चालने में हम इस तरह चम्मच से घुमा के पूरा पेस्ट छान लेंगे। फ्रेंड्स, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। पूरे पेस्ट को इस तरह हम छान लेते हैं। इस तरह छानने के ऊपर जो तुसा बचेगा उसको निकाल के फेंक देंगे। हमारा पाइनएप्पल का पेस्ट तैयार है। पाइनएप्पल के पेस्ट को कर लेते हैं अच्छे से मिक्स और फिर एक एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रीजर में एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। पाइनएप्पल का यह पेस्ट ख़राब नहीं होता। जब आप चाहो एक चम्मच पाइनएप्पल का पेस्ट लीजिए और डेढ़ कप दूध लीजिए और इसका मिल्क शेक बना लीजिए। इस तरह का इंस्टेंट पाइनएप्पल मिल्क शेक बहुत ही टेस्टी लगता है, एकदम मार्केट जैसा। आइए अब मिल्क शेक बनाते हैं। एक मिक्सर के जार में डाल देंगे पाइनएप्पल का पेस्ट 2 से 3 चम्मच। पाइनएप्पल का पेस्ट आप आपके हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 4 कप दूध। दो बूंद पाइनएप्पल कलर इसेंस। पहले पाइनएप्पल का पेस्ट बनाते हुए शक्कर डाले वाली है, इसलिए यहाँ पर हम 1/2 चम्मच ही शक्कर डालेंगे। चार से पांच डाल देंगे आइस क्यूब। और अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। वाह, बढ़िया सा पाइनएप्पल मिल्क शेक मिनटों में हमारा तैयार हो गया है। इस तरह पाइनएप्पल पेस्ट बना के रखने से आप जब चाहो तब पाइनएप्पल का मिल्क शेक बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।